पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के 10 करोड़ किसानों को आगे भी जारी रहेगा। सहकारिता से समृद्धि के विजन पर चलते हुए भाजपा राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर के आएगी और ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दिशा में बढ़ने वाले। नमस्ते, इंस्टॉलमेंट के साथ साथ यहाँ पर बिजली का बिल और आपके लिए खेती के लिए बहुत सारी पैसे मिलने वाले हैं। काफी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 75 लाख करोड़ रुपए जो है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि अब किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाद के लिए, बिजली के लिए या फिर खेती से अहम जुड़ी जानकारी के लिए जो है यहाँ पर पैसा आपको मिलेगा। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि कुछ ही क्षणों में जो है किसानों के खाते में आदि के लिए अब यहाँ पर पैसा जो है वो किसानों के खाते में ट्रांसफर होगा। चलो हम आपको बता देते हैं अभी किन किन किसान भाइयों के खाते में आएगा और किन किन किसान भाइयों के खाते में नहीं आया है, जो कि अभी यहाँ पर मिलने वाला है। तो सब कुछ हम आपको लाइव प्रूफ के साथ में यहाँ पर दिखाने वाले हैं। आप हमारे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि पीएम किसान योजना में किसानों के लिए खेती से जुड़ी यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं अब यहाँ पर मिलने वाली है, जिसमें अब किसानों को हुई बल्ले बल्ले। और यहाँ पर 18वें इंस्टॉलमेंट के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो सकता है जारी। चलो हम आपको सब कुछ यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो किसान भाई खेती करते हैं और यहाँ पर बीज लेते हैं या फिर उसके लिए भी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर किसानों को पैसा तो हुआ ना किसान भाई, काफी बड़ा अपडेट यहाँ पर। जो किसान भाई वंचित रह गए थे, जिनको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला था, तो अब वो भी कुछ ही दिनों में उनके किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाला है, यानी कुछ ही समय में जो है उनके खाते में आ जाएगा। जिन किसान भाइयों को यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला था, तो उनको भी अब यहाँ पर सरकार का जो पैसा है वो ट्रांसफर करेगी। सम्मान निधि योजना के तहत अब तक भारत सरकार ने किसानों को 17 किस्त का पैसा जारी कर दिया गया है, यानी अगर बात की जाए तो 17,34,000 रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ पर बात आती है 18वें इंस्टॉलमेंट की, या फिर जो किसान भाई रह गए हैं उनकी, तो यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आपने अपनी जो जमीन है उसकी आधार शीडिंग और लैंड शीडिंग और EKYC ये तीनों करा रखे हैं, तो आपके खाते में पैसा कभी भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त लेने के लिए यहाँ पे तीन चीजें कंपलसरी कर दी गई है, जिसमें आपकी आधार शीडिंग, बैंक शीडिंग और EKYC ये तीनों कंपलसरी हैं, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा दिया जाएगा। और बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है किसानों के लिए, अब यहाँ पे खाद के लिए, बीज के लिए और उर्वरक के लिए भी पैसे यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, जो कि आपको 2,000 रुपए की रकम बढ़ाकर 4,000 रुपए भी हो सकती है, जिससे किसानों को अब काफी सारा बेनिफिट होने वाला है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2025 तक जो है किसानों को 2,000 रुपए की जगह 4,000 रुपए भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको पता होगा जब 17वीं इंस्टॉलमेंट जारी की गई थी तो उसी के साथ ही ऐलान किया गया था कि किसानों की आय को डबल किया जाएगा। अगर किसानों की आय डबल होती है तो 2,000 रुपए की जगह जो है वो 4,000 रुपए उनके बैंक खाते में आने की संभावना है। हम आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बता दें कि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अब किसानों की हो गई बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ पे 2,00,000 रुपए तक का कर्ज भी हो सकता है माफ, अगर आपने बैंक से कर्ज लिया है तो आपके लिए भी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब फसल बीमा योजना में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अब रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी 31 जुलाई 2024, तो अभी ये बंद हो चुके हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अब आपको फसल योजना का भी लाभ यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है
किसानों को सीधा बेनिफिट दिया जाता है अगर आप इतने फॉर्म भरेंगे तब। अब यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसान भाइयों किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज हो सकता है माफ, और राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड में EKYC नहीं कराई है तो जल्द से जल्द जाकर करा ले, अन्यथा आपको राशन जो है वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर EKYC उन्हीं किसान भाइयों की होगी जिनका फिंगर आता है, अगर जिनका फिंगर नहीं आता है तो उनको अब राशन नहीं मिलेगा। किसानों की बल्ले बल्ले यहाँ पर बड़े बड़े अपडेट जो है वो आ रहे हैं, और जिससे किसानों को सीधा बेनिफिट उनके बैंक खाते में देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो फसल बीमा योजना हो या फिर PM किसान योजना हो या फिर खेती से जुड़ी कोई भी योजना हो, उसका सीधा जो पैसा है आपको किसानों के खाते में आएगा। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर सब कुछ समझाया था, जैसे ही आपने देखा सब कुछ जो है वो किसानों के खाते में मैसेज आना भी शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ, वो बड़ा अपडेट यहाँ पर किसान भाइयों आ चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और यहाँ पर करोड़ों किसान भाइयों ने मुझे कमेंट किया है कि सर हमें PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पर A to Z जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि अगर आपको PM किसान सम्मान निधि योजना का किसी कारण आपको अगर यहाँ पर पैसा नहीं मिलता है तो कैसे पैसा मिलेगा, मैं आज को आपको वो भी यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। आप साइड में देख सकते हैं, स्क्रीन भी चलेगी, और जिसमें आपको यानी न्यू रजिस्ट्रेशन से लेके और जो और भी है जो कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है जहां पर डॉक्यूमेंट नॉट अपलोड दिखा रहा है, या फिर आपका रिजेक्ट बाय सब डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक कर दिया गया है, जहां से भी ये ब्लॉक हुआ है और जहां पे भी आपको यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, तो आज मैं आपको A to Z जानकारी यहां पर देने वाला हूं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है राजू गंगवार, आप देख रहे हैं PM किसान योजना चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ और आप लोगों की हेल्प बिल्कुल फ्री में करता रहता हूँ। तो जल्दी से आप कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा किसान भाइयों, जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे इस इंटरफेस पर, इस इंटरफेस पे आने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, और बाकी जो डिटेल है वो बिलर रहेंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करना है या फिर PM किसान सम्मान निधि योजना में आपको पैसा नहीं मिल रहा है या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड का, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया था इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है, या फिर जो भी समस्या है वो आपको अगर यहाँ पर देखने को फील करने को पड़ रही है और मिल रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
तो सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट में जाना है। आ जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो आपको ये वाला सबसे अच्छा रहेगा, ये वाला आप देख सकते हैं। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन 2019 से पहले यानी 19 के बाद में कभी भी कर रखा हो, यानी 20 में किया हो, 21 में किया हो, 22 में किया हो या 23 में किया हो, जब भी आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके रिकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, तो आपको यहाँ पर आपको समस्या आएगी। यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखाऊंगा, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्मर सीएससी, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो कैसे काम करेगा चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने पहले कभी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाया है या नहीं करवाया है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए अपना न्यू रजिस्ट्रेशन को चेक कर लेना है कि हमने पहले कभी किया तो नहीं है। अगर यहाँ पर किया है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस ऑफ सेल्फ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्मर सीएससी थ्रू सीएससी। ठीक है, ये ऑप्शन देखेगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर देखो ये आधार नंबर मांग रहा है, यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पर सेम कैप्चा आपको फिल कर देना है। जैसे दोनों है ऐसे ही आपको कर देना है। ठीक है, तो चलो मैं आपको कर दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए ब्लर कर रखा है किसान भाइयों, मैंने यहाँ पर एक आधार नंबर है उसको पेस्ट किया, एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपके लिए। यहाँ पर सिर्फ आपको इसी प्रकार से करना है और ये किसी का आधार नंबर नहीं है, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल करके आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आपको इस प्रकार से आपकी जो समस्या है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे एक कैप्चा देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ पे सेम टू सेम कैप्चा है उसको यहाँ पर हम फिल कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ इसी प्रकार से आपको भी यहाँ पर फिल कर ले रहा है। तो देखिए मैं छोटा है ए और वन है और आपका ई है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये भर दिया है और उसके बाद में सर्च के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी डिटेल होगी वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जिसमें क्या रहेगा मैं आपको बता दूं, पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप फार्मर का नाम रहेगा, फार्मर के जो हस्बैंड है या फादर है उसका नाम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आधार नंबर आपको मिलेगा जो कि बिलर है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर मिलेगा जो कि बिलर है। ठीक है, और उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद आप किस तहसील से बिलोंग करते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगी, ब्लॉक क्या है आपका वो मिलेगा, स्टेट क्या है आपकी वो मिलेगी और डिस्ट्रिक्ट है वो मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन की डेट, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट है 17/1/2022 और यहाँ पर रिस्पॉन्स ऑफ रिजेक्शन लिखा हुआ है जो इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नॉट अपलोड, और यहाँ पर स्टेटस के ऑप्शन पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रिजेक्शन बाय सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, 2019 में कराया हो, 2020 में कराया हो, 22 में कराया हो या 24 में कराया है, और आपने अगर आपका भी इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है तो आप इसको कैसे सही कर सकते हैं, मैं आज आपको यही यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, सब कुछ बताऊंगा। आप मेरे साथ में बने रहिएगा, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर ए टू जेड जानकारी पूरी आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन भी का प्रोसेस भी सेम रहेगा और ये भी सेम ही है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और अगर आपको यहाँ पर पैसा नहीं मिल रहा है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा किसान भाइयों, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से बैग चले जाना है। ठीक है, यहाँ से हम बैग जाएंगे और बैग जाने के बाद यहाँ से हम जैसे ही बैग आएंगे और बैग आ जाने के बाद आपके सामने कुछ पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पोर्टल आ जाएगा और आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अपलोड ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्मर, आप यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्मर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा तभी ये काम करेगा, अगर लिंक नहीं है तो आप जो आधार नंबर है उसको अपडेट जरूर करा लें जिससे आपको आने यानी हम आगे प्रोसेस करेंगे उसमें आपको कोई भी समस्या ना आए। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस अपलोड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बोल रहा है आधार नंबर, हम यहाँ पर हमारे पास जो भी हम किसान हैं और हमें यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उसका हम आधार नंबर को लेंगे और यहाँ पर हम उसको डाल देंगे। जैसे सपोज कीजिएगा आपका ही है, ठीक है, हमने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया और उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा है, इस कैप्चे को यहाँ पर हम फिल कर देंगे, छोटा बड़ा जैसा भी है हम वैसा ही यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर डाल दिया, सॉरी मैंने छोटा बड़ा डाल दिया और एफ है बड़ा और वी।
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पर आपको ये चीज देख लेनी है, यहाँ पर आपको यही करना है, अपलोड ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्मर सीएससी, इसी ऑप्शन पे आपको आ जाना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसी प्रकार का इंटरफेस मिलेगा आपको देखने को, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है इमेज आपकी रॉन्ग है, हमने कुछ गलती कर दी होगी, हम दोबारा से देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर फिर से डाल लेते हैं, यहाँ पर जो कैप्चा आया है एक नया कैप्चा आ जाएगा, अगर आपसे भी गलती हो जाती है तो इसी प्रकार का कैप्चा आएगा, और कैप्चा आ जाने के बाद आपको ये कैप्चा सेम टू सेम भर देना है। गलती हो गई है, हम फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और चेंज करना चाहे तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखना है आपको वीडियो को, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये कैप्चा दिख रहे हैं, इस कैप्चे को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और ये गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देंगे उस पर एक ओटीपी जाएगा 4 अंक का, और उस ओटीपी को डालकर आप यहाँ पर डालेंगे, और डालने के बाद ये कैप्चा फिल करेंगे, डालने के बाद 4 अंक का ओटीपी आएगा, उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा तो उस पर एक 6 अंक का ओटीपी जाएगा, उसको आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, डालने के बाद ये फॉर्म, यहाँ पर जो फॉर्म होगा पीएम किसान योजना का पूरा फॉर्म निकल कर आ जाएगा। अगर आपको नहीं भरना आता है, ये फॉर्म नहीं आया है आपसे, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाइएगा और वहां पर जाकर आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से जाकर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सारा कुछ आप कर लेंगे, यहाँ पर आपको अपने स्टेट रहेगा रामपुर, आपकी डिस्ट्रिक्ट रहेगी, सब डिस्ट्रिक्ट रहेगी, ब्लॉक रहेगा, आपकी जमीन का नंबर रहेगा और आपका खतौनी नंबर रहेगा, और यहाँ पर पीडीएफ फाइल